पटना जिलाधिकारी ने कर दिया साफ, अब लोगों को शवदाह गृह में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। राजधानी पटना में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले और उससे होने वाले मृत्यु दर में बढ़ोतरी को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने मीडिया में खबर चलने के बाद इसका निरीक्षण किया, जिसमें पाया कि केवल पटना के बांसघाट का ही शवदाह गृह काम कर रहा था, जिससे भीड़ बढ़ी है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि गुबी घाट और खाजेकला घाट के शवदाह गृह में कुछ खराबी है, जिसको जल्द ठीक कराकर पूर्ण रूप से संचालित करने का आदेश दिया है। हाँ, ये हम लोगों ने इसका निरीक्षण किया था और उसमें पाया था कि आधे से अधिक जो विद्युत सौदा गृह हैं वो खराब हैं। तो नगर आयुक्त पटना को हमने पत्र लिखा था और बात भी किया है और उनकी टीम लगी हुई है कि उसको सभी को फंक्शनल किया जाए। और शुरू में सिर्फ बांस घाट पर ये इस प्रकार का अंतिम संस्कार हो रहा था, अब हम लोगों ने तीन घाट को चिन्हित कर दिया, इसमें बांस घाट, गुलबी घाट और खाजेकला घाट जो पटना सिटी में है। तो अब इस प्रकार की भीड़ एक घाट पर नहीं हो रही है, हम लोग उसको नज़र रख रहे हैं, किसी को असुविधा नहीं है।